अब देखिए एट फर्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेफिनिट के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में और पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। तो इंडेफिनिट में क्या होता है, जैसे ये हमारा एक सेंटेंस है, ठीक है, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, ठीक है, ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसको हम सिंपल भी कहते हैं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। अब देखिए पास्ट में क्या चीज चेंज रहेगी, पास्ट में आई रॉट अ लेटर, तो बदला क्या, वर्ब बदल गई, यहां राइट था यहां रॉट हो गई, यहां सेकंड फॉर्म आ गई, यहां फर्स्ट फॉर्म है। थर्ड अगर हम फ्यूचर की बात करें तो क्या हो जाएगा, आई विल राइट अ लेटर, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या हुआ, चेंजेस क्या आए, ये सब हमारा कॉमन रहा, ये वाला पोर्शन, सब्जेक्ट हमारा तीनों टेंस में कॉमन है, सब्जेक्ट हमारा तीनों टेंस में कॉमन है, ऑब्जेक्ट हमारा तीनों टेंस में कॉमन है, कॉमन यानी एक सा है, ना तो सब्जेक्ट में चेंज आएगा ना ही ऑब्जेक्ट में चेंज आएगा, चेंज आएगा वर्ब्स में, किसमें चेंज आएगा, देखिए इसमें चेंज आ गया, यहां पे हमने लगाया फर्स्ट फॉर्म, यहां लगाई हमने सेकंड फॉर्म, यहां पे हमने विल में हेल्पिंग वर्ब, विल यानी हेल्पिंग वर्ब एच वी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। तो बस ये चेंजेस हमें जहन में रखने हैं, ये तो इंडेफिनिट के चेंजेस हैं। अगर कोई आपसे बात करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की आप ये लिखेंगे, कोई बात करता है पास्ट इंडेफिनिट की तो आप ये लिखेंगे, कोई बात करता है फ्यूचर इंडेफिनिट की तो आप ये लिखेंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट के चेंज करने से भी वर्ब के ऊपर असर पड़ता है, अगर हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो वर्ब के ऊपर असर पड़ता है, कैसे असर पड़ता है, अगर यहां पे आई की जगह यू है तो सेम रहेगा, वी है सेम रहेगा, दे है सेम रहेगा, अगर यहां पे ही आ गया या फिर शी आ गया तो क्या करेंगे, यहां एस लगा देंगे, ही राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर। लेकिन पास्ट में हमारे सब्जेक्ट चेंज करने पे वर्ब के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, पास्ट में कोई असर चाहे ही हो या शी हो या यू हो या दे हो, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, यहां सिर्फ और सिर्फ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करनी है, ये तो आपको पता ही है, पहले से पता है, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां भी हमें क्या करना है, विल या शैल भी लगा देते हैं हम, या शैल आई के साथ और वी के साथ, वैसे अकॉर्डिंग टू ग्रामर हम शैल का यूज करते हैं, आई और वी के साथ किसका यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम विल का यूज करेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन ग्रामर में आई और वी का रूल ये है कि शैल लगाते हैं हम। इसके अलावा जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, ही है, शी है, दे है, इन सबके साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। समझ में आई बात, अभी एक मिनट जस्ट आई बात समझ में, ठीक है। अब हम आपको कुछ सेंटेंस दें तो आप कर लेंगे।